लिया क्योंकि अभी साहित्य पर चर्चा जब हो रही थी तो दौर था कि साहित्य और मीडिया लगभग एक ही था आज़ादी के पहले। जो बड़े साहित्यकार थे वो सब आमतौर पर पत्रिकाओं और अखबारों के संपादक हुआ करते थे, लेकिन 80 के बाद हिंदी पत्रकारिता और साहित्य का अलगाव शुरू हुआ और जिसको हम विशुद्ध व्यावसायिक पत्रकारिता कहते हैं वो दौर शुरू हुआ। आज हमारे पास मीडिया के दो बड़े दिग्गज, राहुल देव जी जो संपादक रहे हैं जनसत्ता के, आज तक के और कई टीवी चैनलों में, जी न्यूज़ में थे, और राहुल जी को आप सब जानते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। शैलेश जी के साथ मैं स्वयं काम कर चुका हूँ नवभारत टाइम्स में, शैलेश जी भी संपादक रहे, अभी टीवी चैनलों में भी रहे, अखबारों में भी रहे। तो चूँकि मीडिया शब्द जो है मुझे लगता है शायद ये टेलीविज़न के आने के बाद ज़्यादा चर्चा में आया, वरना पहले पत्रकारिता शब्द ज़्यादा चर्चा में था। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी या इस पेशे में आए थे तो पत्रकारिता ही कहा जाता था, 90 के बाद से मीडिया शब्द आया और मीडिया ने अपने आप को समेट लिया। तो मैं चर्चा शुरू करूँगा, विषय बड़ा दिलचस्प है कि मीडिया यहाँ से अब कहाँ। यानी एक दौर था कि जब आज़ादी में वो एक मिशनरी पत्रकारिता हुआ करती थी जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे लोग, गांधी जी खुद लेख लिखते थे और सारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे आमतौर पर वो किसी न किसी रूप में लेखों के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन और पत्रकारिता दोनों एक साथ थे। आज़ादी के बाद लंबे समय तक ये मिशनरी पत्रकारिता चलती रही है, लेकिन जब व्यावसायिक पत्रकारिता आई तो उसका स्वरूप बदला, उसके सरोकार बदले, उसका चरित्र भी बदला। और व्यावसायिक पत्रकारिता के बाद जब बाजार के साथ पत्रकारिता जुड़ी या मीडिया जुड़ा तो उसमें और उसका रंग रूप बदला है। इन पर एक चर्चा हम करेंगे। राहुल जी, मैं आपको लाना चाहूँगा इस चर्चा के शुरू में कि एक धारणा है कि आज मीडिया का बड़ा पतन हो गया है, आप जिससे बात करिए वो मीडिया को कोसता मिलेगा कि साहब मीडिया किसी के पक्ष में अगर लिख दीजिए तो उसकी चर्चा नहीं होगी, जिसके विपक्ष में लिख दीजिए वो मीडिया को कोसता है। मैं इसको एक वाक्य में कहता हूँ कि मीडिया एक ऐसी दुधारू गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं लेकिन जब वो सींग दिखाती है तो सब उसको डंडा मारते हैं। तो आप, चूँकि आपको इतना लंबा अनुभव है तो आप शुरू करें इस पर कि कहाँ तक सही है, मीडिया यहाँ से कहाँ जा रहा है। बस यही बातें इसी मंच पर लगभग हर साल होती हैं और विषय भी घूम फिर के बहुत अलग नहीं होते। और ये मीडिया अलग अलग शब्दों में ये जो सवाल है, ये मैं जब करीब 35-40 साल पहले पत्रकारिता में आया तो उस समय जो गोष्ठियाँ होती थी जिसमें हम केवल श्रोता के रूप में जाते थे तब भी यही सवाल होता था, मीडिया की विश्वसनीयता का संकट, अब आगे क्या। अशोक जी याद करेंगे तो शायद और उससे पहले भी यही होता हो, क्योंकि होता ही होगा। तो मीडिया के लिए बहुत अच्छा है, उसकी प्रकृति है कि वो हमेशा कटघरे में रहे, हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और एक मिथक है कि कोई उसका स्वर्ण काल था, जैसे एक मिथक है कि भारत का स्वर्ण काल था सोने की चिड़िया वाला, तो वैसे ही मिथकों में एक ये भी है। लेकिन जो काल है वो बड़ा बहुआयामी होता है चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हम उसमें कुछ चीज़ों को, उसके कुछ हिस्सों को स्वर्ण वगैरह कुछ विशेषण लगा के याद कर लेते हैं और बाकी को हम भुला देते हैं। कि ना आप किसी भी काल को संपूर्णता में देखें तो बात आपको वही नज़र आती है। क्या गणेश शंकर विद्यार्थी के समय का भारत वैसा था जैसा आज है? क्या उस समय के सामाजिक लक्ष्य वैसे थे जैसे आज हैं? क्या जीवन शैलियाँ, अपेक्षाएँ, इच्छाएँ, विचार, आंदोलन, अभीप्साएँ ऐसी थी जैसी आज हैं? क्या हमारी नदियां वैसी थी जैसी आज हैं? क्या हमारी सब्जियां वैसी थी जैसी आज हैं? जैसे फल वैसे थे जैसे आज हैं? क्या तब की मिट्टी ऐसी थी या खेती ऐसी थी जैसी आज है? तो एक जो हमें पृथ्वी मात्र में कह लें कि एक परिवर्तन दिख रहा है, मनुष्यता मात्र में परिवर्तन दिख रहा है, तो पत्रकारिता में भी दिख रहा है। अब यह हम पर निर्भर है कि हम उसके किस हिस्से को उठा के अपने
अभी जो बात हो रही थी परवेज भाई के साथ, बिल्लौरी शीशे के से देखें उसको और उस पर बात करें तो ये ठीक है। तो हर चीज़ की तरह ये भी बहुत परिवर्तनशील है मीडिया। मीडिया के साथ एक बात थोड़ी सी अलग ये है कि लोग साहित्य को, जैसे अभी अदब की बात हो रही थी, तो अदब को पढ़ने वाले, उसके करीब जाने वाले, उसको करीब, उसका रोज़ जिनका साबका पड़ता हो अदब से, ऐसे बहुत गिने चुने लोग पहले भी कम थे, आज भी कम हैं। न्यायपालिका से जिनका रोज़ का साबका पड़ता हो ऐसे तब भी कम थे, आज भी कम हैं। राजनीति से भी सीधा स्पर्श होता हो ऐसे लोग तब भी कम थे, आज थोड़ा ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन मीडिया, चाहे पहले अखबारों के रूप में होता हो या आज अखबार और चैनल और दूसरे जो नए मंच आ गए उनके माध्यम से, मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे हर आदमी लगभग हर वक्त जुड़ा हुआ है। ये एक फ़र्क है बाकी चीज़ों में और मीडिया में, पत्रकारिता में, किसी रूप में पत्रकारिता आप ले लें, माध्यम की बात कर लें, तो इसलिए उस पर हमारा ध्यान थोड़ा ज़्यादा जाता है। उसमें जो हो रहा है वो हमें ज़्यादा दिखता है। साहित्य में जो हो रहा है वो हमें थोड़ा उतनी आसानी से नहीं दिखता। न्यायपालिका में जो हो रहा है हमारी और कार्यपालिका में जो हो रहा है वो हर आदमी को उतनी निगाह में नहीं, पकड़ में नहीं आता। लेकिन चैनल तो हम रोज़ देखते हैं, अखबार देखते हैं, तो उसमें एक तस्वीर कल, एक तरह की तस्वीरें आज छपती हैं, पहले नहीं छपती थी। ऐसी खबरें आज दिखाई जाती हैं टीवी पर, पहले नहीं दिखाई जाती थी। ये ज़्यादा दिखता है तो मीडिया का पतन हो गया है, वो बिकाऊ हो गया है। हम लोगों को रोज़ इसका जवाब देना पड़ता है कि हम सब दलाल हैं, हम सब बिके हुए हैं, हम सब पतित हो गए हैं और हमने समाज को नष्ट कर दिया है, हम पीढ़ियों को नष्ट कर रहे हैं। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है जैसा हमेशा होता था, थोड़ा अब ज़्यादा बढ़ गया है हर चीज़ की तरह। लेकिन अब भी बहुत अच्छी पत्रकारिता भी हो रही है, कहीं बहुत खतरनाक और चिंताजनक उसमें प्रवृत्तियाँ भी हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। तो ये जो थोक निंदा है और पतन भाव है, पतनवाद है, मैं इससे कतई सहमत नहीं। कई, मैं राहुल सांकृत्यायन की एक कहानी है, उसमें ईसा से 2500 वर्ष पूर्व का किस्सा है। उसमें एक बुजुर्ग आदमी नौजवान से कह रहा है, ईसा से 2500 वर्ष पूर्व, कि क्या जमाना आ गया है, कैसा वक्त आ गया, एक को वक्त। तो कहीं ये जो मानसिकता है कि हम अतीत जीवी ज़्यादा रहते हैं, हम लोग भी अब, चूंकि आप तो हमसे भी बड़े हैं उम्र में, अब पहले वरिष्ठ हैं, जैसे जैसे हम लोग, यहाँ से छोटा हूँ, जैसे जैसे हम लोग ज़्यादा समय बीतता जाता है तो अतीत जीवी होते जाते हैं, कि व्यक्ति अपने बचपन को याद करता है कि होली कैसी होती थी, उस समय की दिवाली कैसी होती थी, रंग कैसे खेले जाते थे। हर होली में, हर दिवाली में हम लोग बचपन की होली दिवाली याद करने लगते हैं। तो कहीं कुछ मीडिया में भी ऐसी स्थिति है कि वो स्वर्णकाल था, वो युग था। लेकिन एक बात राहुल जी और शैलेश जी, मैं आपको भी इसमें लाऊंगा बीच में, कि साख जो है एक बड़ा मीडिया के लिए एक बड़ी बड़ा उसके जो मूल्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसकी साख। क्योंकि इस देश में छपे हुए शब्द को एक तरह से, मैं बार बार कहता हूँ कि टेलीविज़न और अखबार, सोशल मीडिया तो अब आया इंटरनेट, कि माया और ब्रह्म वाली स्थिति है। दृश्य जो है वो माया है और अक्षर जो है वो ब्रह्म है। इसलिए अखबार में छपा हुआ लोग मानते थे बिल्कुल सच है, टीवी का देखा और चला गया, लेकिन आज टीवी ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। खैर, दोनों को मिला करके एक साख का जो संकट सामने पैदा हुआ है। मैं जब नई दुनिया यहाँ दिल्ली में शुरू हुआ तो मैं कुछ मध्य प्रदेश के लोगों से, अशोक जी चले गए शायद, मध्य प्रदेश के एक ब्यूरोक्रेट से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि साहब नई दुनिया की यह साख थी इंदौर में, कि वो कलेक्टर रह चुके थे, कि हम लोग कलेक्टर थे और दंगा हो गया, तो हमको ये खबर छपवानी पड़ी कि स्थिति सामान्य हो रही है और तब कर्फ्यू हटाया जाए। नई दुनिया में अगर छप गया कि सामान्य हो रही है तो वाकई सामान्य हो रही है, या अगर बारिश हो रही हो, ये कहावत थी, और नई दुनिया लिखते तेज धूप निकली है तो लोग मानते धूप निकली है, एक साख मानी जाती थी। आज जो साख का संकट आ गया है खासकर मीडिया के सामने, चाहे वो अखबार हो चाहे टेलीविज़न हो, टेलीविज़न में खबरें आती हैं उसके पता लगा आधे घंटे बाद वो खबर गिर जाती है, अखबार में खबर छपती है उसके बाद पता लगता है खबर गलत है, तो उस पर कोई खेद नहीं, कोई उस पर किसी तरह का, तो ये एक बड़ा संकट हो गया। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जो लोगों की एक धारणा बन रही है कि आज मीडिया जो है वो उन तमाम मूल्यों से थोड़ा सा हट रहा है या दूर हो रहा है जिनकी अपेक्षा जनता करती है। शैलेश जी, आप इसमें, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मुझे कुछ समस्याएं तो दिखाई देती हैं मीडिया में, खासतौर पर टेलीविज़न में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिगड़ गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत हो रहा है।
टेलीविज़न में ख़ास तौर पर जब कई चैनल आए, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, तो एक समस्या आई कि टीआरपी के लिए आई बॉल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे देखें, तो उसके लिए उन्होंने उसको सेंसेशनल बनाना शुरू किया और कई सीमाओं को तोड़ते हुए चले गए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, एयरपोर्ट से रात को लौटते समय एक लड़की के साथ उस जो कैब का ड्राइवर है वो बलात्कार करता है, निश्चित तौर पर बहुत गंभीर घटना है, शर्मनाक है, एक सभ्य समाज में ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी निंदा की जानी चाहिए, लेकिन टेलीविजन का शीर्षक हुआ होगा पूरी दिल्ली हुई शर्मसार, कोई औरत दिल्ली में सुरक्षित नहीं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही काम हो रहा था, एक आइसोलेटेड घटना है, और आप जो मैं कह रहा हूं स्लग हेडलाइंस देखिए तो सिर्फ यही होगा। नतीजा क्या होता है कि सेंसेशन तो फैल जाता है लेकिन उसका जो इंपैक्ट होना चाहिए खबर का वो नहीं रह जाता, उसके पीछे जाकर जो जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके तहकीकात करके जो खबर को निकालना चाहिए कि कैब का लाइसेंस दिया गया, ड्राइविंग लाइसेंस दिया गया, कहीं वो फर्जी तो नहीं था, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं था, क्या इस तरह की घटनाएं वो पहले तो नहीं कर चुका था, या और एक तरफ से पुलिस और दूसरी तरफ से मीडिया भी जांच पड़ताल करके कुछ सही तथ्यों को सामने लाए उसकी जगह, फिर उससे आगे निकलते हैं, एक रिपोर्टर एक चौराहे पे खड़ा हो जाता है, वहाँ कुछ महिलाओं को कुछ लड़कों को कैसा लग रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है, उस पर जवाब आने लगते हैं, कोई उसमें कोई पॉलिटिकल वो मिल जाए तो अपनी तरह से वो अपना झाड़ना शुरू कर देता है। तो ये जो सेंसेशनल बनाकर आप मेरे चैनल को देखें और फिर उसमें होड़ लगी रहती है, कई एंकर उतर जाते हैं, एक मजमा और उस पर बुलवाना शुरू किया, और बड़े चालाक होते हैं, अगर कोई बहुत समझदारी से बात करने लगे तो आप देखेंगे कि रिपोर्टर और एंकर दोनों बहुत आसानी से बहुत तेजी से बहुत जल्दी हट जाते हैं दूसरे की तरफ, उसको खोजते हैं जो आग लगा दे, खूब बोलना शुरू कर। तो ये गंभीर बात है, और ये करके अगर टीवी चैनल ये कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि बलात्कार जैसे मुद्दे पर वो बहुत संवेदनशील है और इसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो ये सच नहीं है। आपने एक सच को सेंसेशनल बना दिया और उसके इम्पैक्ट को, उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी उसको खत्म कर दिया। पुलिस जल्दी जल्दी में इतनी आतंकित होती है कि जहां कहीं कोई मिला वो तुरंत बुक हो जाता है, और फिर 10 12 15 साल में केस का जब फैसला होगा वो असली जो अपराधी है कई बार वो पकड़े भी नहीं जाते, कहीं से वो 2-3 दिनों के अंदर एक आदमी को लाके ठोक देते हैं, फिर उस पर चलता है कि पकड़ा गया बलात्कारी और उसके साथ साथ 20 तरह के विशेषण। तो ये जो माध्यम है, ये जो बात है टेलीविज़न चैनल्स में, ये बहुत खतरनाक प्रवृत्ति आई है, और यही एकमात्र जो मुझे लगता है एक बुराई है, और उसको देखकर अखबारों ने भी वही करना शुरू किया। अखबार के पास टाइम बहुत होता है, अखबार आमतौर पर जो बड़े अखबार भी हैं वो 10 बजे रात तक छपने के लिए जाते हैं, तो अगर कोई घटना दिन में हुई है तो रिपोर्टर उसकी जांच पड़ताल कर सकता है, उसके पास 8-10 घंटे का समय होता है, और जांच पड़ताल करके पूरा का पूरा सच जो है वो एक साथ दे सकता है। ये प्रवृत्ति खत्म हो गई, अखबारों में भी सेंसेशनल है, अरे इतने बड़े बड़े टीवी चैनल ये कर रहे हैं तो यही लिख दो भाई, तो वो लिखा जाने लगा, यानी अखबार भी सेंसेशनल होने लगे। लेकिन मैं इसकी परवाह नहीं करता, मुझे कोई डर नहीं है ना किसी पाठक को, मैं अपनी बात बता रहा हूं विनोद जी। शायद 1995 में जब पहली बार आज तक शुरू हो रहा था तब मैं टेलीविजन में आया था, प्रिंट छोड़कर अखबार छोड़कर, तब से लेकर अब तक तो कुल मिलाकर कोई 20-22 साल से टेलीविजन में और न्यूज में काम करता हूँ। अगस्त तक मैं एक चैनल में नौकरी कर रहा था, तब तो 10-12 चैनल दफ्तर में लगे ही होते थे, मैं देखता था। 1 सितंबर से लेके आज तक मैंने कोई टीवी चैनल नहीं देखा, न्यूज चैनल नहीं देखा, कभी कभी एंटरटेनमेंट चैनल देखता हूँ, कोई चैनल नहीं देखा, और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती कि मेरे पास कोई खबर नहीं है। क्यों? मेरे पास ये है, मैं जिस क्षण खबर घटती है
उसी क्षण खबर को देख लेता हूं, एक दो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं, उसी समय वो आता है मैं उसको पढ़ लेता हूं। तो मेरा लगाव इससे थोड़ा है कि मैं टेलीविजन देखूं कि अखबार में पढ़ूं, मुझे खबर चाहिए, जानकारी चाहिए। और पहले संक्षेप में देख लेता हूं, मेरी दिलचस्पी होती है तो और विस्तार में देख लेता हूं। तो अगर ये चैनल ये सोच रहे हैं कि लंबे समय तक ये विचार को प्रभावित करते रहेंगे, ये संभव नहीं है। इस पर बहुत वैरायटी है। और कुछ लोगों को लगता है कि जो अनपढ़ लोग हैं वो अभी नहीं पहुंच पाएंगे। अरे किसने सोचा था 15 साल 20 साल पहले कि घर में काम करने वाली जो बाई होती है वो भी मोबाइल पे होगी? किसने सोचा था मेरे, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उसका रिक्शा वाला वो भी मुझे नंबर दे गया कि आप फोन कर दीजिएगा मैं यहीं आऊंगा। आता भी है, जब कभी मुझे रिक्शे में जाना होता है तो मैं फोन करता हूँ कहाँ हो, तो वो बताता है मैं सेक्टर 18 में हूँ, तो मैं अभी एक घंटे में आऊँ। मैंने कहा ठीक है एक घंटे में आओ, मुझे जाना है। तो एक घंटे में आके नीचे से फिर मिस्ड कॉल देता है और फिर मैं समझ जाता हूँ, फिर उस रिक्शे में चल जाता। अब तो पेटीएम भी करेगा, तो वो पेटीएम भी करेगा, उसी तरह से वो इसको भी सीख लेगा। इसलिए जिन लोगों को लग रहा है अखबारों को टेलीविजन चैनल्स को कि उनकी मोनोपोली बरकरार रहेगी, वो सेंसेशन फैलाते रहेंगे, वो विचार को प्रदूषित करते रहेंगे, वो राजनीतिक तौर पर प्रभावित करते रहेंगे, वो गलत सोच रहे हैं, उनके दिन लग गए हैं। मैं लंदन गया था तो लंदन टाइम्स खोजता था सुबह सुबह, और भी जो दो एक अखबार हैं कि देखूं, इतने साल पत्रकारिता में रहा कहीं नहीं, वो जिनके साथ ठहरा था होटलों में तो यहाँ मिल भी जाता है, वहाँ तो कुछ नहीं। तो उन्होंने बताया कि 1-2 किलोमीटर आगे एक मॉल है, वहाँ जा चलते हैं, वहाँ से ले आएंगे। कोई अखबार नहीं घर पे मंगवाता। 5 यूरो जो है घर पे वो डाक से जो वो कुरियर से लेने में लगते हैं और उसके जो दाम हैं वो दाम ही हैं। तो कोई नहीं मंगवाता, सब अपना इस पर देख लेते हैं। कुछ लोगों ने टेलीविज़न चैनल रख रखे हैं। स्टेशन के करीब जाइए, मेट्रो पे जाइए तो फ्री में 2 अखबार सुबह और शाम के मिलते थे, उसको भी छूने वाला कोई नहीं मिलता था। 20 लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि एक ले लीजिए तो एक आदमी लेता है। तो अखबार के दिन भी यहाँ लग जाएंगे बहुत जल्दी। लेकिन बहुत सारे अखबार हैं जिनको बचा के रखा गया। वो जो चर्चा हो रही थी पहले सत्र में कि 20,000-25,000 वर्ड के छापते हैं, वो इसलिए कि उसके तह तक जाते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसको गहराई से साफ सुथरे ढंग से रखने की कोशिश करते हैं। कोई मुझे ये कहे जैसे, तो मेरा कहना यह है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, खबरें रहेंगी, डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है बदल जाएगा। कोई टेलीविज़न पे मुझे रात तक घर पहुंचने तक खबर देखने के लिए इंतजार नहीं करना, और खबर सिर्फ खबर क्या है उसके लिए भी टेलीविज़न तक जाने की ज़रूरत नहीं, ना अखबार के पास जाने की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी घटना को डिमिस्टिफाई कर सकते हो, उसकी गहराई तक जा सकते हो, इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, मुझे कुछ नया दे सकते हो, अलग दिखा सकते हो, तो आपके पास मैं आऊँगा, और नहीं तो नहीं आऊँगा, और अखबारों के डिजिटल एडिशन पर चला जाऊँगा। बहुत सारे YouTube चैनल शुरू हो रहे हैं, YouTube की तरह दूसरे प्लेटफॉर्म भी है, वहां पे मैं चला जाऊंगा। तो ये जो आने वाले दिन है वो बहुत बेहतर दिन है, और सचमुच अच्छा दिन, प्रेस और मीडिया के वास्तविक आजादी के दिन है। क्योंकि एक प्रकाशक जो अखबार छापता है, जो संपादक या ओनर चाहता है कि ये छोगा होगा, इसी लाइन को लेना है, उसकी मोनोपोली टूट जाएगी। जो लोग टेलीविजन चैनल्स में सोचते हैं कि सनसनीखेज बना करके और हम दर्शकों को देखने के लिए मजबूर करते रहेंगे, उनकी मोनोपोली टूट जाएगी। क्योंकि हर आदमी आजाद होगा, कहीं से भी खबर आ सकती है। हमें आगे चलकर कुछ और चीजें डेवलप होंगी, क्योंकि जो कुछ नेट पर आ रहा है वो सब कुछ ऑथेंटिक सही नहीं होता, उसमें मिलावट बहुत होती है। आपको ध्यान में होगा कि कई साल पहले के दंगे की तस्वीर, एक जगह झगड़ा हुआ अभी उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने चला दिया, तो उससे थोड़ी सनसनी और फैल गई। तो ये पुराने वीडियो उठा के डाल देते हैं, पुरानी चीज़ें उठा के डाल देते हैं, ये समस्या रहेगी। और इसमें से आगे आकर इसको फिल्टर करने वाले तरीके भी आ जाएंगे। तो जो आप कह रहे हो, मुझे लग रहा है कि मीडिया के लिहाज से, खबर के लिहाज से बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं।
ये वो वाले अच्छे दिन नहीं है भाई, वो चुनाव के पहले वाले नहीं है, ये आजकल के अच्छे दिन की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल आपने बहुत सही तरीके से विश्लेषण किया, लेकिन इसमें एक दो बिंदु हैं जो, चूँकि समय जितना है उसमें मैं थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा आप लोगों की टिप्पणी जरूर चाहूँगा। निश्चित रूप से एक आपने जो शैलेश जी ने कहा कि संगठित रूप से जो मीडिया है कि एक अखबार की का एकाधिकार, किसी चैनल का एकाधिकार, संपादक का एकाधिकार, अलग संपादक संस्था ही अब अखबारों में और मीडिया में कहाँ बची है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग चलाते हैं उनका एकाधिकार अब खत्म होने वाला, लगभग खत्म होने लगा है। जो सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो तमाम आया पिछले 4-5 साल से जिसका ज़बरदस्त प्रसार हुआ है, आप देखिए बहुत सारी खबरें जो है वो टीवी चैनलों और अखबारों में नहीं मिलेंगी लेकिन सोशल मीडिया के जरिए मिलती है। अभी नोटबंदी को लेकर जिस तरह से शुरू में टेलीविज़न चैनल बिल्कुल एक तरफा उसकी सफलता का गुणगान कर रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से तमाम खबरें आईं उसके बाद चैनलों को भी जनता के बीच जाने का की मजबूरी हुई। तो खैर इस तरह से अभी आप बात, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरह से तमाम सारी गलत जानकारियां परोसी जा रही हैं, जैसे एक मैं उदाहरण दूंगा, अब जवाहरलाल नेहरू के पूर्वजों को मुसलमान साबित करने का बड़ा ज़बरदस्त कंपेन चल रहा है, जिसका मतलब कोई ऐतिहासिक तथ्यों से लेना देना नहीं है। ऐसे बहुत सारे तमाम इधर से उधर से हर तरफ से सूचनाएं जा रही हैं, उनका कोई अंकुश नहीं, नियंत्रण, ये खतरे भी हैं उसके। उसके बावजूद लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी मिली है निश्चित रूप से, और किस तरह से तमाम मुद्दों पर एक बहस चलाई जा सके आम लोगों के बीच में, और सामाजिक तापमान क्या है जनता का, सोच का, वो भी उसके जरिए अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो थोड़ा पता लगता है। लेकिन इसके बावजूद एक और पक्ष है शैलेश जी और राहुल जी दोनों लोग कि मीडिया की पक्षधरता का, कि कई बार हम देखते हैं कि हम दावा तो सब करते हैं सारे अखबार सारे चैनल कि निष्पक्ष हैं, तटस्थ हैं, हमारा किस लेना देना नहीं, लेकिन जो भी हमारा कंटेंट है या जो भी हमारा विषय वस्तु है चाहे वो अखबार हो या, उससे पक्षधरता साफ झलकती है। किसी एक अखबार को देख लीजिए तो लगेगा वो फला पार्टी का प्रचारक करने में उसकी दिलचस्पी है, चैनल की स्थिति यही है, चैनलों की स्थिति भी यही है, आप सीधे बता सकते हैं कौन किसके साथ है। तो ये निष्पक्षता, अच्छा कभी किसी एक नेता के बारे में मान लीजिए कोई सीडी आ जाती है तो वो सब पर चल जाएगी, दूसरे नेता के बारे में आएगी वो कहीं नहीं चलेगी। इस तरह की जो ये हमारी जो तथाकथित निष्पक्षता या पक्षधरता है, ये भी एक बड़ा संकट है जिसने मीडिया की साख और छवि को कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस धारणा को जन्म दिया है कि मीडिया बिकाऊ हो गया है, मीडिया सत्ता के साथ है। ये एक जरूर एक मुद्दा है। इस पर राहुल जी पहले टिप्पणी आपकी, साथ ही शैलेश जी आप। ये मैं सहमत हूँ कि ये प्रवृत्ति बढ़ी है, पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि पहले निष्पक्षता का ही सर राम राज्य था, लेकिन अभी ये थोड़ी बढ़ी है। मीडिया पर मैं समझता हूँ कि अदृश्य दबाव भी बढ़े हैं, और दबाव और प्रभाव लगभग एक जैसी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि ये एक अस्थाई दौर है, एक दौर है, और इस दौर में मीडिया की स्वतंत्रता पर नए तरह के प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, निश्चित रूप से आ रहे हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि इस तरह की मीडिया पे अंकुश की कोशिशें बहुत ज़्यादा चलती नहीं, ये देश भी एक दौर देख चुका है, और उसकी प्रतिक्रिया ज़रूर होती है, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, और हर ऐसे एक दौर के बाद एक नए निखार के साथ चीज़ें आती हैं। मीडिया भी एक 77 के बाद का मीडिया आप देखिए, भारतीय पत्रकारिता का एकदम स्वर्णयुग अगर आया हम कह सकते हैं अब सापेक्ष तरीके से, तो वो 77 के बाद आया। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे हम कहते हैं, जो जुझारू पत्रकारिता के जो तेवर हमको देखने को मिले, वो उससे पहले की एक बड़ी गांधीवादी कांग्रेसी किस्म की एक पत्रकारिता होती थी, वो टूटी। तो अभी जो ये हो रहा है ये चिंताजनक अवश्य है, लेकिन मैं नहीं मानता भारतीय जो अंतर्निहित भारतीय मनीषा है, जो उसका भारत का जो जीनियस जिसे हम कहते हैं, वो इसको ज़्यादा समय तक स्वीकार कर नहीं सकता। जब एक किसी चैनल का प्रधान संपादक ये खबर खुद चलाए कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है और उसको आप 200 मीटर नीचे भी आप गाड़ेंगे तो पता लग जाएगा, बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी पुष्टि के, और सरकार उसका बाद में खंडन कर रही है, ये बताइए। मैं समझ गया, मैं पहले रिपोर्टर्स गलती करते थे तो उनको सुधारने के लिए चीफ सब
और न्यूज़ एडिटर और संपादक थे, जब संपादक ही इस तरह की खबर दे तो मतलब कहाँ वो जो शीर्षक है वो कहाँ तक सर, समझ गए थोड़ा। यही काला धन निकलने वाला है तो सेंसेशनल करने के लिए, वो जो सेंसेशनल मैं कह रहा था उसमें आप, मैं सिर्फ एक चीज़ याद दिला दूँ आप दोनों को, थोड़ा सा याद करेंगे एक, हम जरा आज में ज़्यादा अटक जाते हैं, मैं फिर आपको वापस ले जाता हूँ। ऐसा कौन सा समय था, आप लोग भी याद कीजिएगा जो बुजुर्ग लोग हैं, कि 40 साल 50 साल पहले पत्रकारिता से संपादक सीधे संसद में आता था, संपादक और पत्रकार भी संवाददाता भी बाकायदा राजनीतिक पार्टियों के सदस्य भी होते थे, कई बार कई लोग होते थे जो सदस्यता नहीं लेते थे, अनौपचारिक सदस्य होते थे और शुद्ध राजनीतिक पत्रकारिता करते थे, ऐसा कब नहीं हुआ। संपादकों का सांसद बनना ये कोई नई चीज़ है क्या, मैं याद दिला आपको उदाहरण दूं, कोई जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं, सुनिए सुनिए, सत्ता के साथ जुड़ना और सत्ता का जो लोभ है, अरे एक मिनट महाराज, एक मिनट, सत्ता के साथ जुड़ने की एक आकांक्षा, सत्ता से जुड़ना और सत्ता का लाभ लेना, सत्ता प्रियता, ये थोड़े दिनों बाद आ जाती है, बहुत लोगों में आती है, पत्रकारों में भी हमेशा आती रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये एक अस्थाई दौर है, ऐसे संपादकों पे सवाल उठ रहे हैं। अब अच्छी बात यह है कि अब हम और आप सवाल ज़्यादा उठा रहे हैं, अब उन पर उंगली उठाने वाले भी लोग हैं और सामाजिक मीडिया ने एक नया मंच, जो पहले अभी तक पाठक के पास और दर्शक के पास नहीं था, आज वो मंच मौजूद है कि वो किसी ने, वो बड़े से बड़े पत्रकार की कोई हैसियत नहीं मानते, वो उसको अपनी ओर से ज़मीन पर ला देते हैं। तो ये सवाल पूछने की और उंगली उठाने की जो नई छूट मिली है हमारे पाठकों और दर्शकों को, ये एक बहुत स्वस्थ, मैं समझता हूँ, अच्छी चीज़ हुई है और ये हमें थोड़ा धरती पे अब रखेगी, जो पहले शायद नहीं होता था। तो ये सब हो रहा है, लेकिन उसकी उसको थोड़ा संतुलित करने वाली शक्तियाँ भी अब मौजूद हैं। नहीं, मुझे लगता आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से और आगे बढ़ाता हूँ, सहमति भी है मेरी कि पहले भी संपादक और तमाम पत्रकार की राजनीतिक आकांक्षाएँ महत्वाकांक्षाएँ होती थी। थोड़ा सा ये था कि शायद जब पद पर रहते थे उस वक्त थोड़ी सी गरिमा और थोड़ी मर्यादा वो रखते थे, और पद से हटने के बाद या वो संसद में चले जाते थे तो अखबार छोड़ देते थे कुछ, मतलब ये मेरा अपना आकलन, हो सकता मैं गलत हूँ। मैं शैलेश इस चीज़ को और इसको समअप करने से पहले एक आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि एक तरफ कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से पहले रिपोर्टर्स मैनेज होते थे, ब्यूरो चीफ मैनेज हो जाते थे, एडिटर मैनेज हो जाते थे, अब तो मालिक ही मैनेज हो जाता है। जब मालिक ही मैनेज हो गया तो रिपोर्टर एडिटर और संवाददाता क्या करेगा, ये जो स्थिति आ गई है। बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस जैसे स्टेक्स, जिस तरह से उनकी हिस्सेदारी मीडिया में हो गई है और सब कुछ सब नचावत राम गोसाई वाली स्थिति बन गई है, इस पर आप जरा। विनोद जी, एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो अंदर के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पहले जो अखबार के पब्लिशर थे या मीडिया के ओनर्स थे, उनके पास सिर्फ मीडिया था। अगर रामनाथ गोयनका थे तो वो, उनके पास अखबार था और वो अखबार के लिए कुछ बिल्डिंगें बना ली थी। बिरला जी के पास भी, जो के बिरला जी, उनके पास भी यही अखबार ही रह गया था। गलत, बिल्कुल गलत। आज कल अखबार के मालिकों को देखिए, वो अस्पताल चला रहे हैं प्राइवेट, स्कूल चला रहे हैं महंगी फीस वाले, और तो और खदान के लाइसेंस ले रहे हैं, बाकी बीच में जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया, तो आप कब तक मैनेज नहीं होगे? सीबीआई आपके पीछे पड़ी है ना, आपने जो माइंस के लाइसेंस लिए उसमें गड़बड़ी की बात आ रही है ना, तो आप नपोगे। इसलिए इन लोगों के इतने बिजनेस इंटरेस्ट हो गए हैं कि ये अब पहले की तरह के पब्लिशर्स नहीं हो सकते। ये मैनेज होंगे, लेकिन क्या मैनेज होकर के ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? मैं भारत की जगह अमेरिका का उदाहरण देता हूं, अभी हाल का अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनावों के समय में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स पहली बार रिकॉर्ड तोड़ करके सारे अखबारों ने कहा डोनाल्ड ट्रंप नहीं, घोषित तौर पर अमेरिकी मीडिया में इतनी शर्मनाक, इतना मैं इसको फिर शर्मनाक कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप चाहे जो भी हो, उनसे आप सहमत हो या असहमत हो, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, अखबारों ने, ज्यादातर बड़े अखबारों ने और ज्यादातर बड़े टेलीविजन ने लाइन ले लिया कि ट्रंप ने महिलाओं के खिलाफ कहा, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कहा, राष्ट्रपति नहीं बनना चाहिए, सीधी लाइन ली। क्या हुआ? रिजल्ट सामने है। आप सहमत हो ट्रंप से या नहीं सहमत हो,
लेकिन ट्रंप जनवरी में 14 जनवरी को जो भी 20 जनवरी को राष्ट्रपति बन जाएंगे, चुनाव जीत चुके हैं। तो ये जो पब्लिशर सोचते हैं कि हम माइंड, क्योंकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि आपके छपे हुए अखबार के बाहर, आपके टेलीविजन चैनल के बाहर एक और मीडिया का जन्म हो चुका है। और ये आज की बात नहीं है, 1857 में भारत में क्रांति हुई, कौन सा अखबार था जिसने देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रांति की बात फैला दी? क्या माध्यम था, कौन सी मीडिया थी? रोटी। एक गांव से रोटी भेजते थे दूसरे गांव में, और वो रोटी स्वीकार कर ली गई तो इसका मतलब होता था कि वो भी क्रांति के लिए तैयार है। और आगे आइए, 1974-75 हम लोग यंग थे, जयप्रकाश नारायण का आंदोलन। मैं कोई इंदिरा जी के खिलाफ अभी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन एक आंदोलन चलता था, इंदिरा वाणी बंद करो, आकाशवाणी स्वच्छंद करो। टेलीविजन तो आया ही नहीं था, ये बड़े नारे लगते थे। एकमात्र आकाशवाणी एक ही मीडियम था, और उस पर सरकार, जो भी सरकार रही, जिनकी भी सरकार रही, सिर्फ उनकी बातें आती थी। अखबार केवल राज्यों की राजधानियों तक सीमित थे, गांव गांव में, जिले जिले में अखबार नहीं गए थे, जाते भी थे तो 2 दिन बाद पहुंचते थे। लेकिन पूरा एक देश का हिस्सा, कहां से कौन सी सूचना मिली उसको? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये लिखे हुए शब्द या बोले जाने वाले शब्द सिर्फ संवाद का माध्यम ये नहीं है। कोई एक नारद है, मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूं, जो घूम रहा है, जो पता नहीं कब देवलोक में उपस्थित हो जाता है, पता नहीं कब वो मृत्यु लोक में आता है, और यहां की सूचना वहां, वहां की सूचना वहां। तो ये थोड़े समय के लिए हो सकता है, थोड़े समय के लिए भरमा सकते हो, लेकिन ये बात समझ नहीं रहे। और ये बात चूंकि मीडिया के ओनर्स, संपादक, रिपोर्टर कोई नहीं समझ रहा है, इसलिए अपनी मौत की कहानी ये खुद लिख रहे हैं। मैं एक बहुत संक्षेप में ट्रंप वाले मामले में एक मैं साफ कर दूं। पहली बात ये कि उसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूँ। एक जानकारी ये कि अब ये बात जाहिर हो गई है कि हिलरी क्लिंटन को लगभग 20 लाख वोट ज़्यादा मिले ट्रंप से, ठीक, ये हमें याद रखना चाहिए। तो जो भविष्यवाणियाँ आ रही थीं और सर्वेक्षणों में भी आ रही थी कि ट्रंप को पीछे और हिलरी को आगे दिखाया जा रहा था, वो उतनी गलत नहीं थी। सिर्फ वहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज और वोट्स का जो वो जो विचित्र व्यवस्था है, इसलिए वो बहुत गलत नहीं थे। दूसरी बात, अमेरिकी प्रेस और ये इकोनॉमिस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट जैसे लोगों ने जो अपनी इतिहास को तोड़कर, परंपरा को तोड़कर इंडोर्स किया हिलरी को और उसके खिलाफ लिखा, मैं समझता हूँ कि ये उनके ये मेरे मन में उनके लिए श्रद्धा बढ़ी है, क्योंकि उन्होंने एक व्यक्ति जो लगातार शक्तिशाली होता जा रहा था और जिसकी संभावनाएं राष्ट्रपति बनने की बढ़ती जा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने ये राजनीतिक और आर्थिक जोखिम उठाया और कहा कि ये इसको नहीं बनना चाहिए, और उसके कारण दिए कि इन कारणों से नहीं बनना चाहिए। तो कुछ मूल्यों के प्रति अगर हमारी प्रतिबद्धता है तो उन्होंने अपनी साख को भी जोखिम पर लगाया, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। ये उनकी, इसकी तुलना हम अपने यहाँ के सेठों की समर्पण से नहीं कर सकते, बहुत अंतर है, तात्विक अंतर है दोनों में। सिर्फ इतनी बात नहीं, मैं सिर्फ इसमें एक बात साफ करूं, मैंने कोई जो वहां के अखबारों ने या मीडिया ने लाइन लिया उसका, उसको गलत नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हारे लाइन लेने के बावजूद रिजल्ट बदल सकता है, गलत प्रश्न है ये, मैं सिर्फ उसी तक सीमित हूँ। मैंने यहाँ कह करके ये भी नहीं कहा कि मैं जो ट्रंप कहते रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हिलेरी के बारे में मेरा क्या सोचना है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो लोग बैठ करके पब्लिशर्स ओनर्स सोचते हैं कि हम तय करेंगे देश की दिशा क्या होगी, भविष्य क्या होगा, वो लंबे समय तक नहीं चलने वाला। धीरे धीरे आ जाएगा कि लोग अपना फैसला करेंगे, तुमको जो लाइन लेना है लेते रहो। नहीं, मुझे लगता है कि आप दोनों लोग बात जो कहना चाह रहे हैं वो सब लोग समझ रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि जो एक अधिकार था कि हम जो लिखेंगे वही लाइन बनेगी, वो टूटा।
और राहुल जी का भी कहना सही है कि 20 लाख वोट उसके बाद ज़्यादा मिले हिलेरी को, इसका मतलब जन समर्थन हिलेरी के पक्ष में था, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि ट्रंप जीत गया। जैसे भारत में भी भाई 31% वोट मिले बीजेपी को, लेकिन सरकार बनी उसकी क्योंकि सीटें ज़्यादा थी लोकसभा में उसकी, तो वो एक प्रणाली की व्यवस्था है। चूँकि अब सत्र समय लगभग समाप्त ही हो चुका है और ये सत्र, हालांकि ये विषय ऐसा है कि इस पर पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए, जैसे साहित्य पर अशोक जी कह रहे थे कि कम से कम 4 घंटे 5 घंटे का समय दीजिए, तो मीडिया में बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं कि मीडिया अचानक राष्ट्रवादी हो जाता है, कभी अचानक क्रांतिकारी हो जाता है, कभी अचानक जो है वो जो तय कर लेता है कि हमें देश को क्या बनाना है, कभी राष्ट्र ऊपर हो जाता है, तो कभी तो ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, होनी चाहिए। सेना को लेकर कभी मीडिया किस तरह से कभी एक अतिवाद की तरफ पड़ता है, कभी दूसरे अतिवाद की तरफ, तो लेकिन फिर किसी अगले सत्र में जश्न अदब के संयोजकों से मैं ये चाहूँगा कि अगले अपने किसी कार्यक्रम में इस विषय को फिर आगे रखें जिस पर चर्चा हो, थोड़ा समय भी ज़्यादा हो, पैनलिस्ट भी ज़्यादा हो, बहुत अच्छा रहेगा। राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शैलेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं आप सबने मीडिया के तमाम मुद्दों पर हम लोगों को झेला, उसके लिए आप सबका भी शुक्रिया।